कुंडली में काल सर्प दोष का नाम सुनते ही व्यक्ति घबराना शुरू कर देता है और इससे निजात पाने के लिए पूजा पाठ इत्यादि करवाना शुरू कर देता है ताकि उन्हें काल सर्प दोष से शांति मिले और उनकी समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ काल सर्प योग ऐसे भी होते हैं जो आपको राजा बना सकते हैं, जिनके आपकी कुंडली में होने से आप अपने क्षेत्र के सबसे ऊंचे पद पर भी पहुंच सकते हैं। बता दें कि काल सर्प दोष कुल 12 प्रकार के होते हैं। ज्योतिष आचार्य अर्थ मिश्रा के अनुसार इनमें से 6 काल सर्प योग अच्छा फल नहीं देते तो बाकी के 6 से आपको ऐसे फल मिलते हैं कि आप राजा बन सकते हैं। मुख्य 12 तरह के काल सर्प योग होते हैं, जिसमें से 6 काल सर्प योग खराब होते हैं और 6 बहुत शुभ पाए गए हैं। अब जैसे कि हम बात करें कि खराब कौन कौन से हैं, जो राहु से शुरू होता है वो प्रायः खराब ही फल देते हैं। जैसे कि एक होता है अनंत काल सर्प योग, राहु से शुरू होता है, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग और शंखपाल काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, ये ऐसे 6 काल सर्प योग हैं जो राहु से शुरू होते हैं। इसका जो सीधा सीधा मतलब होता है खराब और सही होने का, राहु मुख है। अब जितने भी राहु के मुख के सामने जितने भी ग्रह आते हैं उनको क्रम से वो ग्रास करता है, इसलिए इंसान जिनकी कुंडली में राहु से शुरू होने वाले काल सर्प योग बनते हैं वो प्रायः शुभ फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो ग्रह शुभ फल दे रहे हैं उन शुभ फलों का ग्रास राहु कर लेता है, जिसके कारण हमें काल सर्प दोष की शांति इत्यादि वगैरह करा के हमें शेष ग्रहों का फल मिलना शुरू होता है। जो बाकी के 6 हैं वो केतु से शुरू होते हैं। जब सागर मंथन के बाद जब अमृत का वितरण हुआ था तब भगवान शिव ने अमृत बराबर बराबर बांटने के लिए सबको कहा था, लेकिन दैत्यों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी कि देवताओं को पहले क्यों दिया जा रहा है। तो राहु छल से जाके अमृत पान करता है और जैसे ही भगवान विष्णु को ये पता चलता है तो वो राहु का, जो कि दैत्य सेनापति है, उनका शीश काट देते हैं। तो जो राहु है वो अलग ग्रह बना और केतु जो धड़ है वो धरती पे पड़ा रहा। तो धरती पे पड़ा हुआ शरीर जिसके अंदर अमृत जा चुका था उसने इतना तप किया कि उसे खुद भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वो ग्रह बनेगा और अच्छा फल देगा। प्रायः देखने में ये आता है, मतांतर भी है कि केतु पापक ग्रह है, लेकिन मतांतर से ये भी कईयों ने कहा है, कईयों ने नहीं, बहुत ज्योतिषियों और ऋषि मुनियों ने कहा कि तपस्वी होने के कारण वो अति शुभ ग्रह हो गया। तो जो कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो पूंछ का भाग केतु का है, वो धड़ है। तो जो केतु जिसे पूंछ के द्वारा जो ग्रास होते हैं ग्रह, दरअसल वो ग्रास ना कहें उसको, जहाँ केतु होता है, जहाँ ताकत होता है, जहाँ शरीर होता है, वो हर ग्रहों को बल देना शुरू कर देता है, बशर्त वो सूर्य और चंद्र ना हो, क्योंकि उनके कारण ही इनका शीश धड़ अलग हुआ था। तो जो शुभ आते हैं, एक तक्षक काल सर्प योग है, तक्षक की कथाएं भी सुनने मिली कि परीक्षित को काटने वाला सर्प भी तक्षक रहा, तक्षक के काटने के बाद भी उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ परीक्षित जी को। तो शुभ शुभता जो केतु से बढ़ती है। फिर उसके बाद आ जाए कर्कोटक काल सर्प योग होता है, शंखनाद काल सर्प योग होता है, पातक काल सर्प योग होता है, विषक्त काल सर्प योग होता है, शेषनाग काल सर्प योग होता है। शेषनाग का उदाहरण आप ले लें तो शेषनाग काल सर्प योग हम कहते तो हैं और डरते भी हैं, पर यह भी तो ध्यान दीजिए कि शेषनाग जो है उसकी सैया में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आराम करते हैं, इसलिए शेषनाग काल सर्प योग भी अच्छा माना गया है। जिनकी कुंडली में शुभ काल सर्प योग पाए गए हैं, प्रायः मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं, या तो वो मंत्री हैं, या वो वैज्ञानिक हैं, या बहुत अच्छे पुलिस प्रशासन में हैं, सैन्य प्रशासन में बहुत अच्छे पद पे हैं। तो जो शुभ है वो ताकत बढ़ाता है। अगर एक उदाहरण दिया जाए तो हमारे भारत देश के आज़ादी के बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी कुंडली में भी शेषनाग काल सर्प योग बना हुआ है। इसलिए ये कहना कि काल सर्प योग सिर्फ खराब ही खराब करेगा ये गलत होगा। अगर किसी की कुंडली में राहु से शुरू हो रहा है तो उसकी शांति कराएं, और जिसके में शुभ है वो भी पूजा कर उसका बल और अधिक से अधिक बढ़ाएं और लाभ लें।